नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर आपका टेस्ट लिया था। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं कि कौन से क्वेश्चन थे। कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन सिंपल भी थे, तो हर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ऐसा कि आपको एफ एक्स बराबर दिया था। क्वेश्चन नंबर एक था एफ एक्स बराबर एक्स प्लस लैम्बडा एक्स लेस देन थ्री और फोर एक्स बराबर थ्री पर और तीन एक्स माइनस पाँच एक्स ग्रेटर देन थ्री। एक्स बराबर तीन पर सतत हो, x बराबर तीन पर सतत है तो आपको लैम्बडा बराबर बताना था क्या था। तो ठीक है, आपको पता है कि फलन का मान बराबर फलन की सीमा। और देखो, ऐसी कोई वैल्यू निकालनी है ना तो एक ही सीमा निकालनी है, और चेकआउट करना है तब तीनों चीजें निकालनी है। क्योंकि देखो, आपको पता है कि सतत देर का है तो एक सीमा बराबर होगी फलन के मान के, तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं जो देर की है, और वही चीज लेनी है। अब देखो, यहां से आप बाईं सीमा लेंगे तो ही लैम्बडा आएगा ना, यहां ये सीमा लेंगे तो लैम्बडा थोड़ी ना आएगा। तो यही सीमा देखो जिसमें लैम्बडा आ रहा है वही सीमा लेनी है। तो फलन का मान यानी एफ थ्री पर बराबर होगा लिमिट एक्स टेंस टू थ्री और एफ एक्स। तो देखो, एफ थ्री पर फलन का मान कितना है चार, और इस पर एक्स थ्री, और ऐसे कोई फंक्शन आपको बहुपद के रूप में ऐसे फंक्शन दे रखे हैं तो उसके अंदर आप डायरेक्ट तीन रखते हैं ना। देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, देखो कितना आसान आप करते हैं। लैम्बडा बराबर एक, वैसे आपको निकालना पड़ता वन माइनस एच करके, ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट आप एक्स बराबर तीन रख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दो था आपका, क्वेश्चन नंबर दो था कि निम्न में से किस फलन के, ऐसा था कि किस फलन के सीमित असतत बिंदु हैं। सीमित असतत बिंदु यानी असतत तो सभी हैं, सीमित असतत बिंदु कौन से हैं। पहला ऑप्शन था आपका x प्लस का पूर्णांकीय वर्ग x। देखो, ये तो आपको पता है कि प्रत्येक, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर ये क्या होगा, असतत होगा, तो यानी इसके सीमित बिंदु नहीं है। दूसरा टेन एक्स, टेन एक्स वाला भी आपको पता है, क्योंकि देखो टेन को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और कोस एक्स कहाँ कहाँ पर जीरो होता है, तो बहुत सारी वैल्यू है कोस पाई बाई टू पर, थ्री पाई बाई टू पर, पाँच पाई बाई टू पर, ऐसे असीमित बिंदु हैं, तो इसके भी ऐसे तो नहीं है सीमित। तीसरा ऑप्शन मापांक एक्स अपॉन एक्स, ये देखो ये सीमित है, क्यों, क्योंकि देखो ये किस रूप में है, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया था, एक्स माइनस जीरो आप ऐसा लिख सकते हैं, एक्स माइनस जीरो, तो ये वही फॉर्म बन गई ना, मापांक एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, यानी इस पर केवल मात्र ऐसा फंक्शन है, तो केवल मात्र x बराबर a पर ही ये आपका असतत होगा, बाकी हर जगह असतत होगा, ये बात मैंने बताई है विशेष तौर पर नोट लगाकर। ठीक है, तो ऐसा ही ये क्या होगा, केवल मात्र x बराबर जीरो पर ही होगा, तो ठीक है यही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन था साइन पाई x, उसके अंदर पूर्णांकीय वर्ग है, तो पूर्णांकीय वर्ग आ गया तो वो भी असीमित असतत बिंदु होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखना। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, ऑफर अभी चल रहा है, सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना, फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें, और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे। तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे जी BK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, 10% डिस्काउंट यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो, और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के, समय समय पर यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं, तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ये कोड यूज करना, कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं नीचे रेफरल कोड नाम आएगा तो वो आप यूज करना। क्वेश्चन नंबर थ्री है आपको दिया है एफ एक्स बराबर आपको दिया था ए, ये देखो पूर्णांकीय वर्ग x प्लस वन, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पूर्णांकीय वर्ग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये इसलिए मैंने बार बार आपको हर जगह ये ऐड करे हैं। तो x बराबर एक पर सतत है, x बराबर एक पर सतत है यदि, क्या ऑप्शन दिए हैं, a प्लस बी बराबर जीरो हो, दूसरा ऑप्शन था a बराबर बी हो, तीसरा ऑप्शन टू ए
माइनस का बी बराबर जीरो हो, तो ये आपके कुछ ऑप्शन है, ठीक है। तो यानी ये एक्स बराबर एक पर सतत होगा, तो इसका मतलब फलन के मान फलन की दोनों सीमा बराबर होने चाहिए। तो यानी यहाँ पर आप फलन के दोनों मान, फलन का मान तो नहीं निकाल सकते, फलन की दोनों सीमा निकाल सकते हैं, दोनों बराबर होंगे तो उनसे तुलना कराकर एक प्रतिबंध निकाल सकते हैं। कैसे, देखो पहले हम बाई सीमा निकालते हैं, बाई सीमा कैसे निकलती है, एफ वन पर करना है ना, वन माइनस का जीरो लिमिट, कैसे एच टेंस टू जीरो और x है उसकी जगह क्या रखोगे, 1 माइनस का h, देखो 1 माइनस h यहां रख दिया, प्लस का 1, ठीक है 1 माइनस h पुट करना है। उसके बाद b यहां भी क्या, x की जगह 1 माइनस h, माइनस का 1, ठीक है। अब देखो क्या रिजल्ट क्या आएगा, पूर्णांकीय वर्ग के अंदर है एक और एक दो, दो माइनस h, देखो 2 माइनस h यानी 2 से 2 माइनस h है तो ये 2 से छोटा हो गया वैल्यू, दो से छोटी होगी तो पूर्णांकीय वर्ग के अंदर पूर्णांकीय संख्या ही बाहर निकलती है, यानी एक पॉइंट कुछ कुछ वैल्यू ऐसी होगी, एक पॉइंट नो नो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो ऐसी है तो वो पूर्णांक के रूप में देगा, पूर्णांक के रूप में यानी यहां से क्या बात देगा आपको, एक ही बात देगा, और ये क्या हो गया ए, क्योंकि एक इंटू ए ए हो गया। उसके बाद ऐसे ही देखो यहां से वन क्या हो गया कैंसिल, यानी जीरो माइनस एच बचा, अब जीरो माइनस एच है, जीरो माइनस एच है यानी जीरो से छोटी, और जीरो से छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, माइनस का एक, तो ये आपके पास आ गया माइनस का बी माइनस ए माइनस बी, ये आपके पास रिजल्ट आ गया फलन की दाई बाई सीमा। और फलन की दाई सीमा निकालें, दाई सीमा क्या होगी, एफ वन प्लस का जीरो, देखो फटाफट कर रहा हूं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहां क्या रखना है, अगर बड़ी है वन प्लस है तो एच वन प्लस एच रखते हैं, तो वन प्लस एच रखेंगे, प्लस का वन, ठीक है, प्लस का बी वन प्लस एच माइनस का वन। अब देखो ये पार्ट कैंसिल हो गया, ठीक है, यहां देखो ये एक और एक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये कितने हो गए दो प्लस का एच। अब देखो दो से बड़ी, दो से बड़ी यानी कुछ भी एच तो थोड़ा छोटा छोटा सा ही होता है, 0.03 कुछ इस प्रकार, यानी जो नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो यानी दो में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तो ये दो पॉइंट के रूप में आएगा। और पूर्णांकीय वर्ग है, पूर्णांकीय वर्ग बाहर क्या देगा दो, क्योंकि पूर्णांक देगा तो दो बाहर देगा, तो ये यहां पर आ गया 2a। यहां देखो वन माइनस का वन माइनस माइनस क्या हो गया जीरो, और जीरो प्लस एच, देखो जीरो प्लस एच जीरो से थोड़ा बहुत बड़ा, जीरो से थोड़ा बहुत बड़ा क्या है यानी 0.2 मान ले, 0.01 मान ले, तो वो क्या पूर्णांक देगा जीरो ही बार देगा, तो ये बी वाला जीरो हो गया, तो ये पार्ट बताना प्लस का जीरो। अब देखो साध्यता होने के लिए दोनों मान, ये दोनों लिमिट बराबर होने चाहिए, ए माइनस बी बराबर होगा 2a, तो यहां से रिजल्ट क्या गया, ए इधर गया, ए प्लस का बी बराबर जीरो होना चाहिए, और ये आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। समझे ना बात को, वैसे कोई हार्ड नहीं है ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 4 था, देखना ज्यादा हार्ड तो नहीं है, एक दो बार वीडियो को दोबारा देख लेना चाहिए, नहीं आया समझ में, बाकी ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर समझ में ना आए। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, फलन एक आपको दिया था एफ एक्स बराबर दे दिया साइन एक्स, ठीक है, जी एक्स बराबर दे दिया मपांक एक्स, और पूछा है कि ये परिमित अंतराल में क्या है, ऑप्शन थे एफ एक्स तथा जी एक्स दोनों सतत है, दोनों ही असतत है, एक सतत है दूसरा असतत नहीं है, एक सतत है दूसरा असतत है। तो देखो साइन एक्स क्या होता है, हमेशा सतत होता है, और मापांक वाला भी सर्वत्र सतत होता है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों ही ये सतत है। 5 नंबर फलन आपको दिया है, फलन एफ एक्स बराबर मापांक एक्स अपॉन एक्स मूल बिंदु पर, और ये आपको बताना है कि किस प्रकार की है असंतता है, प्रथम प्रकार की है, द्वितीय प्रकार की है, कौन सी है, ऑप्शन यही दिए हैं कि प्रथम प्रकार का असंतता है, द्वितीय प्रकार का मिश्रित, या चौथा है सांतत्य है, तो ये हम चेकआउट करते हैं। तो देखो मापांक एक्स है, तो बाई सीमा आप निकालेंगे, देखो सबसे पहले इस मापांक को आप डिफाइन करेंगे, मापांक को डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब क्या आता है, माइनस एक्स कब है, जब एक्स लेस देन जीरो, और एक्स बराबर जीरो पर ये जीरो होगा, और यहां पर आपकी वैल्यू अगर x ग्रेटर देन है तो ये पॉजिटिव होगी, तो यानी अगर इसके अंदर भाग देंगे x का, तो देखो यहाँ आ गया माइनस का 1 और ये 0 आ गया, यहाँ x देंगे 1, तो देखो क्या कोई भी मान बराबर है क्या, यानी जो लिमिट है माइनस 1 बराबर नोट 1, यानी लिमिट के मान, दोनों लिमिट के मान बराबर नहीं है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों अगर लिमिट के मान नहीं होते हैं तो किस प्रकार की असंतता होती है, प्रथम प्रकार की बताई थी ना, प्रथम प्रकार की असंतता होती है, और द्वितीय प्रकार की कौन सी होती है, जिनमें दोनों सीमा विद्यमान नहीं हो, लेकिन सीमा देखो दोनों के मान विद्यमान है और मिश्रित है, यानी एक सीमा विद्यमान नहीं हो तो सीमा ये भी नहीं होगा, तो ये आपके ऑप्शन थे असंतता है, असंतता है ही नहीं क्योंकि मान ही बराबर नहीं है, ठीक है, तो यह समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं,
इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना प्रॉपर। अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो आप नोट्स से भी देख सकते हैं, एक बात है उसमें थोड़ा अच्छे से मैंने समझाया है, यहाँ समझा रहा हूँ वहाँ पर समझाया नहीं है, बस इतना ही है। निम्न फल निम्न में से कौन सा फलन x बराबर जीरो पर सतत है, x बराबर जीरो पर सतत है। आपके ऑप्शन दिए थे, नंबर एक देखना साइन 2x अपॉन 2x, x बराबर नोट जीरो, और यहाँ पर एक दिया है यदि x बराबर जीरो है, ये आपको फंक्शन दिया है fx बराबर, ठीक है। ये देखो सबसे पहले ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या x बराबर जीरो पर सतत है। देखो x बराबर जीरो पर वैल्यू कितनी, फंक्शन की मान कितनी आ गई 1, बाईं सीमा अगर निकालें, देखो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं बाईं सीमा और दाईं सीमा, तो देखो साइन 2x अपॉन 2x करते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो, अब देखो ऐसी वैल्यू मिलती है, देखो आपको पता होगा साइन थीटा अपॉन थीटा, वही तो है ना 2x अपॉन 2x क्या होती है वैल्यू 1, और ऐसी ही प्लस वाले के लिए भी होगी, दोनों के लिए एक सी यहाँ से तो रिजल्ट आ रहा है और एक से रिजल्ट आ रहा है, तो यानी देखो तीनों के मान एक है, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी आपको ऑप्शन भी दिए हैं एफ एक्स बराबर ऐसा दिया था एक e की पावर माइनस एक बटा एक्स, क्यों नहीं होगा ये भी देखते हैं आगे वाले ऑप्शन, आंसर तो पहला ही है इसका x बराबर जीरो, x बराबर नोट जीरो। अब देखो x बराबर जीरो पर तो इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन x बराबर लिमिट यहाँ पर रखेंगे, देखो यहाँ पर लिखी इसकी लिमिट है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो लिमिट बराबर नहीं है, तो ये भी सतत नहीं होगा। और एक ऑप्शन था ऐसा कि एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, एक्स बराबर नोट जीरो, और एक्स बराबर जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी है 1। अब देखो यहाँ x बराबर जीरो पर 1 है, लेकिन x बराबर नोट जीरो यहाँ पर करेंगे, देखो लिमिट लगाएंगे 1 अपॉन जीरो करेंगे इन्फिनिटी, तो यानी पूरा रिजल्ट आपका क्या बन गया इन्फिनिटी, तो ये भी आपका लिमिट मौजूद नहीं है, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, अब आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दो तीन देखना। एफ एक्स बराबर आपको दिया है 1 माइनस का टेन एक्स, नीचे है 4x माइनस का पाई, x बराबर नोट पाई बाई फोर, ठीक है क्योंकि पाई बाई फोर नहीं हो सकता अनंत बन जाएगा, और कहा है कि जो अंतराल दिया है 0 से पाई बाई टू पर सतत है, सतत है, तो f पाई बाई फोर यानी एफ फलन की जगह पाई बाई फोर कहेंगे तो उसका मान निकालना है, तो सिंपल सा है, देखो एफ पाई बाई फोर बराबर क्या होगा, फलन का मान बराबर फलन की सीमा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई फोर आप करेंगे एफ एक्स, एफ एक्स क्या है 1 माइनस का टेन एक्स अपॉन फोर एक्स माइनस का पाई। अब देखो डायरेक्ट आप पाई बाई फोर रख नहीं सकते, डायरेक्ट पाई बाई फोर नहीं रखेंगे क्योंकि ये जीरो बटा जीरो रूप बन गया, तो इसमें आपको डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है, तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो एफ अपॉन पाई बाई फोर लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई फोर, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन तो इसका करेंगे तो माइनस का sec स्क्वायर एक्स, और इसका करेंगे तो फोर क्योंकि पाई का जीरो हो गया। अब आप यहां पर डायरेक्ट पाई बाई फोर रख सकते हैं, तो sec पाई बाई फोर देखो यहां पर रखेंगे तो क्या गया माइनस का sec स्क्वायर पाई बाई फोर अपॉन में फोर। sec 45 का मान कितना होता है, sec 45 का मान अंडर रूट दो होता है, और इसकी स्क्वायर करेंगे तो दो आ गया, माइनस का दो बटा चार यानी रिजल्ट क्या आ गया माइनस का एक बटा दो, और ये आपका चौथा पहला ही ऑप्शन था माइनस एक बटा दो, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है समझिए ना बात को। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, क्वेश्चन नंबर आठ है, देखो मुझे समझाने में मैं आपको समझा रहा हूं बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर भी देखो एक क्वेश्चन के अंदर एक मिनट का ही समय लग रहा है, समझाने में भी एक मिनट का समय लग रहा है, साथ में कुछ बातें भी आपके लिए कर रहा हूं, तो देखो अभी 10-11 मिनट हुए हैं और 10-11 मिनट के अंदर 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो समझा रहा हूं साथ में वीडियोस बन रही है इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी आप करेंगे तो 20-20 सेकंड का काम नहीं है ये क्वेश्चन, हमने जो 100 ट्रिक से हम कर रहे हैं ऐसे तो 20-20 सेकंड नहीं लगेंगे आपको, तो टाइम टू की चिंता मत करो, अच्छे से तैयारी करते रहो, बस जितनी प्रैक्टिस होगी टाइम उतना ही उसको कम लगेगा, बस ये बात एक याद रखना माइनस का अंडर रूट 4 माइनस ए एक्स अपॉन एक्स, 3x प्लस का 2 एक्स माइनस 8, माइनस का 1 एक्स और लेस देन 0, और यहां पर है आपका क्या है 0, हाँ 0 लेस देन एक्स और लेस देन 1,
ठीक है। और क्वेश्चन क्या था आगे, क्या पूछा है, माइनस एक एक में सतत है, सतत है तो a बराबर होगा, तो a का मान पूछना है, a का मान पूछ रहा है कि a किसके बराबर होगा, ठीक है। तो आपको पता है फलन का मान बराबर फलन की सीमा, फलन की सीमा। तो देखो x बराबर जीरो पर हम सतत की जांच करते हैं, सतत होगा ना x बराबर जीरो, क्योंकि अंतराल के अंदर है, तो x बराबर जीरो इसके अंदर आता है तो इस पर सतत होगा। तो f जीरो फलन का मान बराबर लिमिट होगी, देखो हम बाई सीमा लेंगे, क्योंकि यहां से अगर बड़ी वाली वैल्यू लेंगे तो इसमें a नहीं आ रहा है, और जहां a आ रहा है वही वैल्यू लेनी होती है, तो ये हम वैल्यू लेंगे। देखो एफ एक्स क्या है, अंडर रूट फोर प्लस ए एक्स माइनस का अंडर रूट फोर माइनस ए एक्स। अब देखो x जीरो रखेंगे यहां पर, तो जीरो रखा, देखो ये क्या हो गया, जीरो बटा जीरो रूप, तो जीरो बटा जीरो रूप बनता है, तो उसे आप किस रूल से सहायता से सोल्व करते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल। तो यहां पर आपको डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है, याद रखना इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे, तो ऊपर वाले का ऊपर अवकलन करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इसका किया, यानी क्या आएगा, अंडर रूट एक्स का एक बटा दो रूट एक्स, तो एक बटा दो अंडर रूट फोर प्लस ए एक्स, और देखो इसका ए एक्स का होगा तो ये ए ऊपर आ गया, माइनस का एक बटा दो अंडर रूट फोर माइनस ए एक्स, और माइनस ए एक्स का करेंगे तो प्लस हो गया, ये बी है ना, यहाँ पर ए ही है क्या, ए ही है हाँ, तो ये आ गया आपका ऊपर ए आ गया, ठीक है। और नीचे x का करेंगे वन हो गया। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे, देखो यहाँ x टेंड्स टू जीरो किया, ये वाले पार्ट जीरो हो गए, तो यहाँ से अंडर रूट बार आएगा तो क्या आएगा, देखो अंडर रूट चार है तो बार आएगा दो दो, और दो दो चार हो गए, और यहाँ भी क्या हो गया चार, तो यानी यहाँ पर आ गया a बटा फोर प्लस का a बटा फोर। अब देखो f जीरो का मान क्या होगा, देखो यहाँ से f जीरो मान निकलेगा, f जीरो यहाँ पर डायरेक्ट जीरो लगा दो, तो ये वाले पार्ट जीरो, तो क्या बचा माइनस का एक बटा चार, माइनस का एक बटा चार, यहां से इसको सोल्व कर लो क्या आएगा, देखो दो ए बटा दो बराबर माइनस एक बटा चार, और ए की वैल्यू आ गई, ए बराबर इससे कैंसिल हो गया, माइनस का एक बटा दो, और ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बराबर माइनस एक बटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नो, यदि एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स माइनस का अंडर रूट एक्स, सॉरी अंडर रूट नहीं, ये नीचे वाला पूर्णांकी वर्ग ऊपर वाला अंडर रूट है, तो एफ एक्स है, तो ये पूछा है तो एफ एक्स है, और आपको ऑप्शन दिए थे नंबर एक सर्वत्र सतत, ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक पर सतत, तीसरा ऑप्शन था प्रत्येक अपूर्णांक पर असतत, प्रत्येक अपूर्णांक पर असतत, चौथा ऑप्शन था x बराबर जीरो पर असतत। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ये ऑप्शन चेक करते हैं कि प्रत्येक अपूर्णांक पर, तो यहां पर देखना कोई अपूर्णांक संख्या हम ले रहे हैं तो पूर्णांक नहीं, मान लो 2.5 हमने ले ली, ठीक है, यहां पर अगर हम रखेंगे मापांक x, यहां पर 2.5 रखा तो वैल्यू क्या देगा बाहर, 2.5 ही, ठीक है। अगर इसकी बाई सीमा निकालूं, यानी बाई सीमा कैसे निकलेगी, 2.5 x की जगह 2.5 माइनस का h, देखो h बहुत छोटा होता है, यानी h छोटा होता है, तो यानी ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, देखो यहां से बहुत ही नेगेटिव वैल्यू होती है, सॉरी 2.5 नहीं, दो ही आएगा, पूर्णांक संख्या देगा ना दो, अब देखो 2.5 इससे बहुत छोटी संख्या है, तो यानी दो पॉइंट ही कुछ कुछ वैल्यू बचेगी, और दो पॉइंट है तो पूर्णांक संख्या बाहर दो देगा, और ऐसे ही 2.5 प्लस एच करेंगे, प्लस एच यानी दाईं सीमा निकालेंगे तो भी क्या वैल्यू आएगी, दो, तो यानी प्रत्येक अपूर्णांक संख्या पर ये जो आपका है पूर्णांकीय वर्ग ये सतत है, देखो तीनों वैल्यू बराबर आ रही है, ऐसे इसके अंदर रख लो 2.5 आप रख रहे हैं तो देखो आपको दो देगा, और बाहर 2.5 यानी अंडर रूट एक बटा दो, और ऐसे ही अगर आप 2.5 माइनस एच करेंगे तो भी आपको 2.5 ही वैल्यू है ना वैसी वैसी रहेगी, तो भी बाहर दो देगा, तो भी आप देखो अंडर रूट वाली आएगी, तो भी प्लस वाली करेंगे तो भी, यानी बाएं और दाएं सीमा सभी में ये बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि अपूर्णांक संख्या पर, प्रत्येक अपूर्णांक संख्या पर
अपूर्णांक संख्या पर यह सतत है, याद रखना है। यानी अपूर्णांक संख्या कौन सी, a बिलोंग टू r माइनस z, यानी r तो रियल नंबर है और इसमें से पूर्णांक संख्या घटा देंगे, अपूर्णांक बचेगी। अब हम चेक करते हैं कि a बिलोंग टू z, अब हम ले लेते हैं पूर्णांक संख्या पर और चेक करते हैं, पूर्णांक संख्या a बिलोंग टू z हमने ले ली, तो इसमें क्या करते हैं, पहले फलन का मान हम निकालेंगे, फलन की सीमा, दोनों सीमा यानी फलन का मान बराबर फलन की सीमा होने चाहिए। तो सबसे पहले हम फलन का मान एफ ए हम चेक करते हैं, एफ ए पर हम चेक करते हैं, तो देखो यहां पर ए रखेंगे, पूर्णांक संख्या रख रहे हैं अंडर रूट ए माइनस का ए। अब देखो यहां पर क्या वैल्यू आएगी, ये ए देगा बाहर, क्योंकि पूर्णांक संख्या तो उसको पूर्णांक की बाहर निकालेगा, तो ए माइनस ए ये जीरो हो गया और यहां से वैल्यू क्या आएगी, ए। ठीक है, दूसरी हम बाई सीमा चेक करते हैं, बाई सीमा यानी एफ ए माइनस का जीरो, तो देखो यहां से ए माइनस का जीरो आप करेंगे, ए माइनस का एच यानी यहां पर लिमिट लगाकर आप लिमिट एच चेंज टू जीरो करते हैं, तो ए माइनस एच आप लगाएंगे, देखो फिर अंडर रूट यहां भी ए माइनस एच आ गया और माइनस का इसके अंदर भी ए माइनस का एच आ गया। देखो ये ए माइनस एच यानी यहां से आपकी वैल्यू ए से कम होगी ना, थोड़ी बहुत भी कम हो चाहिए, ए से कम होगी तो ये पूर्णांक के रूप में आपको क्या बाहर देगा, ए माइनस एक, यानी इससे एक वैल्यू कम मिलेगी तो बाहर आएगी, तो ए माइनस वन आपकी वैल्यू बाहर आएगी, प्लस का ए माइनस एच ऐसा इसके साथ होगा, यानी एक वैल्यू कम बाहर देगा आपको, तो ए माइनस वन यहाँ से दे दिया और यहाँ से देखो क्या बचेगा, आप एस चेंज टू जीरो लगाएंगे तो ये आपके पास बच गया ए माइनस ए, ये कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी यहाँ अंडर रूट एक यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट एक का मतलब एक, तो यानी यहाँ से आप एक से एक कैंसिल हो गया ए, यहाँ भी आपको ए मिला। अब आप निकालते हैं दाई सीमा, यहाँ निकालता हूँ मैं दाई सीमा, दाई सीमा में क्या करते हैं, एफ ए प्लस जीरो यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो करेंगे तो उसके अंदर ए प्लस एच रखेंगे, तो यहाँ देखो ए प्लस एच रखेंगे अपन, ए प्लस एच अंडर रूट के अंदर ए प्लस एच माइनस का पूर्णांकीय वर्ग ए प्लस एच। अब देखो ए प्लस एच, ए में कुछ ऐड हो रहा है थोड़ा बहुत ही, यानी एच होता है थोड़ा बहुत ही ऐड हो रहा है, मामूली सा 0.002, 0.003, तो इसमें यानी ए से बड़ी वैल्यू होगी और पूर्णांकीय वर्ग है तो ये क्या बाहर निकाल कर देगा आपको, ए ही बाहर निकाल कर देगा, तो यहाँ से ए बाहर निकाल दिया, यहाँ देखो एच टेंस टू जीरो करेंगे तो ये आपका पार्ट हो गया और ए माइनस ए, यहाँ ए बताता ना ए से ए कैंसिल जीरो, अब ये वैल्यू देगी, ये वैल्यू क्या देगी, ए प्लस एच, ए प्लस एच वही तरीका देखो यहाँ पर किया सेम टू सेम, यहाँ क्या वैल्यू आएगी ए, तो देखो तीनों में वैल्यू बराबर है आपकी तीनों में, तो यानी आप कह सकते हैं अपूर्णांक संख्या पर भी ये सतत था और पूर्णांकीय संख्या पर सतत था, तो यानी ये प्रत्येक संख्या पर सतत होगा, सर्वत्र सतत, और ये भी सही है कि प्रत्येक पूर्णांकीय पर सतत था, तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। ठीक है, ज्यादा ये सही है कि सर्वत्र सतत है। लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, ये आपको दिया था एफ एक्स बराबर साइन एक्स का मापांक प्लस का क्या था कोस एक्स प्लस का मापांक एक्स, पूछा है कि ये कहां पर असतत है, तो आपको पता है कि साइन एक्स कभी भी असतत नहीं होता, कोस एक्स भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो आपका ऑप्शन जो लास्ट था कहीं पर भी असतत नहीं होगा, सर्वत्र सतत होते हैं। तो ये थे आपके आंसर दोस्तों, इसके पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक से जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।